तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्डिनो बेसिक्स के बारे में और हमने एक प्रोग्राम बनाया था एलईडी ब्लिंक का। तो आज हम देखने वाले हैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर और सिंटैक्स। तो सबसे पहले ऑपरेटर की बात करते हैं। ऑपरेटर दो टाइप्स के होते हैं इनबिल्ट आर्डिनो प्रोग्रामिंग में। C++ जो है प्रोग्रामिंग, उसमें दो टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास है वॉइड सेटअप ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा हैज़ डिफाइंड LED 3, मतलब कि हमने आर्डिनो में जो डिजिटल पिन 3 है उसको LED के लिए डिफाइन किया है। ठीक है, तो अब इसको सेटअप करना है हमको। आर्डिनो प्रोग्रामिंग को बताना है कि ये जो LED 3 है, डिजिटल पिन 3, ये क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा या इनपुट रहेगा। तो इसमें हम जो सेटअप में जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं आर्डिनो में, एक बार रन होता है। एक बार रन होने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद जब आप रीसेट करोगे तब दोबारा फिर रन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये होता है सेटअप का काम। अब इसमें क्या होता है, हमने देखिए, हमने लिखा है पिन मोड LED, कमा देने के बाद आउटपुट लिखा है, मतलब कि ये जो हमने ऊपर LED पिन 3 डिफाइन किया है वो आउटपुट रहेगा। हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग को कह रहे हैं ऐसा। ठीक है, अब इसको हमने सेमी कोलोन से टर्मिनेट किया। सेमी कोलोन से टर्मिनेट मैंने कल भी बताया था पिछली वीडियो में, और मैं अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊँगा। अब दूसरा है लूप, यानी कि वाइड लूप। अब इसमें क्या होता है, इस फंक्शन में यानी इस ऑपरेटर में ये होगा कि हम इसके अंदर जो भी लाइंस लिखेंगे कोड, वो रन होगा, कंटिन्यूस रन होगा। लूप का मतलब ही आप लोग समझ सकते हो, कंटिन्यूस रन होगा। इसमें कंटिन्यूस रन होने के लिए हमने लिखा है प्रोग्राम डिजिटल राइट। डिजिटल राइट क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने ऊपर में LED पिन 3 डिजिटल सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है डिजिटल राइट, अब ब्रैकेट के अंदर LED, हाई। इस लाइन में क्या होगा, हमारा जो LED है वो हाई हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब ये कितनी देर तक ऑन रहेगा, कितने टाइम तक, तो इसमें हमने डिले लिखा है। डिले लिखने के बाद इसमें आप ब्रैकेट के अंदर 1000, यानी कि आप यहाँ 1000 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकंड के लिए LED ऑन होगा। अब नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं, डिजिटल राइट, फिर से डिजिटल राइट है, तो अब यहाँ LED जो है हम लो कर देंगे 1 सेकंड के बाद। अब ये कितनी देर तक लो रहेगा, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसे 1000 रख सकते हो, 2000 रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो 1000 हो गया, यानी 1000 मिली सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड ऑफ रहेगा और 1 सेकंड के लिए LED ऑन होगा। अब ये जो लूप फंक्शन है इसके अंदर हमने लिखा, तो इससे होगा क्या कि LED 1 सेकंड के लिए ऑफ होगा, 1 सेकंड के लिए ऑन होगा। ये कंटिन्यूस रन होता रहेगा जब तक कि आप आर्डिनो से पावर ऑफ नहीं कर देते। अब चलिए, हमने तो ऑपरेटर देख लिया है, अब चलिए हम सिंटैक्स की बात करते हैं। तो सिंटैक्स में क्या होता है, सिंटैक्स में हम सबसे पहले देखेंगे हैश डिफाइन। हैश डिफाइन में क्या होगा, इसमें जो हम पिन डिफाइन कर रहे हैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग को बता रहे हैं कि हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग में जो आर्डिनो पिन है, पिन 3 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इसमें जो आर्डिनो प्रोग्रामिंग में है इनबिल्ट हैश लिखना है, उसके बाद डिफाइन करना, मतलब कि LED पिन 3 को हम, मतलब आर्डिनो पिन 3 को, डिजिटल पिन 3 को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ, तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग को हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैज़ डिफाइंड LED 3। इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, दूसरा हो गया सेमी कोलोन। सेमी कोलोन हम कहाँ देते हैं, ये हो गया हमारा फंक्शन वाइड सेटअप। ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी लाइंस कोड लिखते हैं, उसको हम टर्मिनेट करने की, हमें टर्मिनेट करने की ज़रूरत होती है, एंड होने की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो एंड हम कैसे करेंगे उसको, इसको सेमी कोलोन से हम एंड करेंगे। अगर ये सेमी कोलोन हम देना भूल जाते हैं तो हमारे प्रोग्राम में जो जब हम कंपाइल करेंगे तो इसमें एरर बताएगा, तो हमें यहाँ सेमी कोलोन लगाना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, हमने ऊपर फंक्शन बनाया वॉइड सेटअप, इसमें प्रोग्राम एक बार रन होगा। ठीक है, अब इसमें जो कर्ली ब्रैकेट है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक ओपन, ये वाला आप देख सकते हो ओपन हो गया, और दूसरा हो गया क्लोज। अब इस ओपन और क्लोज वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम मेन जो हम प्रोग्राम का लाइन होता है स्टेटमेंट, उसको लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा पिन मोड LED आउटपुट, मतलब प्रोग्राम को बता रहे हैं आउटपुट होगा। तो ये कर्ली ब्रैकेट का काम है, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं जो एक्चुअल में रन होगा, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सिंगल लाइन कमेंट के बारे में। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हर काम को करने का एक तरीका होता है,
तो उसी तरीके से कमेंट को भी हम अपने प्रोग्राम में लिखने का एक तरीका होता है। हम कमेंट क्यों ऐड करते हैं, मान लो कि हमने यहाँ लिखा है हैज़ डिफाइन LED 3। अब ये आपने लिखा है, हमने लिखा है, समझ में आ रहा है LED 3 मतलब कि Arduino को कह रहे हैं प्रोग्रामिंग को कि LED पिन जो Arduino का जो डिजिटल पिन 3 है उसको मैं रिज़र्व कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा, लिखने का तरीका है, दो स्लैश देंगे हम, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो टू Arduino डिजिटल पिन 3। इसको कहने का मतलब आप यहाँ से साफ साफ ये कमेंट से आप समझ सकते हो कि इसमें हमको क्या करना है। तो ये तो था सिंगल लाइन कमेंट। अब हम चलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट की तरफ। इसमें हम देखते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे लिखाता है। मल्टीपल लाइन कमेंट लिखने के लिए हम एक स्लैश देंगे, उसके बाद फिर एस्टरिस्क देंगे। ये हो गया ओपन मल्टीपल लाइन कमेंट, और इसको हमें क्लोज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखिए यहाँ दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, इसमें पहले स्लैश पड़ेगा उसके बाद फिर एस्ट्रिक्स पड़ेगा। अब लास्ट जो क्लोज़ वाला है इसमें पहले एस्ट्रिक्स उसके बाद फिर स्लैश देंगे। अब इसके बीच में हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, इसमें प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। आप इसमें मल्टीपल लाइन कमेंट ऐड कर सकते हो। मान लो कि आप इसमें जो प्रोग्राम लिख रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो मैं यहाँ देखिए मैंने लिखा है डिजिटल दिस इज़ ए Arduino वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो, ये मैंने ऐड किया। अब सेकंड लाइन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पार्ट टू मैंने लिखा है। तो ये मल्टीपल लाइन है, आप इससे ज़्यादा भी कुछ भी ऐड कर सकते हो इसमें, कुछ भी जैसे आपका मन चाहे। तो ये जो ग्रीन से हाईलाइट हो रहा है सिंटैक्स, इसमें आप समझ सकते हैं कि ये कमेंट लाइन है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा ऑपरेटर और सिंटैक्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.